जी बताइए आप। इंदौर में मध्य प्रदेश के होटल की धनी ट्रेप मामले में माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ माननीय सुबोध वेंकट साहब ने आरती और अभिषेक जो दो इसमें आरोपी थे उनकी जमानत याचिका पर बहस की सुनवाई हुई थी दिनांक 26 अगस्त को। उस दिन बहस को पूरी सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश रिजर्व कर लिया था। हमारा उस दिन बहस का मूल मुद्दा यह था कि पूरे मामले में अन्य आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल, आरोपी मोनिका को माननीय न्यायालय ने जमानत दी थी। उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दो अन्य आरोपी ओम प्रकाश और बरखा को भी जमानत दे दी थी। इस प्रकार समानता के आधार पर चूंकि गवाह और होना है, समय लगना है ट्रायल में काफ़ी, आज दिनांक तक चार्ज नहीं लगा है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर स्टे है, इन सब बातों को माननीय न्यायालय ने पूर्व में भी जमानत में कंसिडर किया था। और आज भी माननीय न्यायालय का जब आदेश वेबसाइट पर दर्शित हुआ तो न्यायालय ने उपरोक्त सभी बातों को जो पूर्व में कंसिडर की थी आज भी कंसिडर की है और आरती और अभिषेक को जमानत का लाभ दिया गया है।